सो हेलो गाइस, आज मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस न्यू वीडियो में। सो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चाइना ने अपने नेशन पे लगा दी गई और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, काफ़ी ज़्यादा न्यू रूल्स निकाले गए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, बैटल मोबाइल इंडिया जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, पबजी मोबाइल, कुछ गाइडलाइंस उन्होंने भी जारी किया, मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, यार सब बना रखा है देखो। और पबजी न्यू स्टेट के ऊपर भी बना दिया, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन, कब वो डाउनलोड कर पाएंगे हम, किन किन के लिए हम डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए बंदे हैं भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आजकल, बड़े भी खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, कोई पैकमैन खेल रहा है, कोई बड़े बड़े गेम्स खेल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर पे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रैम रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हें और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड का भी यूज़ होता है और इसी गेम को चलते हुए काफ़ी ज़्यादा बच्चे ओवर टाइम खेलते रहते हैं, उनको नेगेटिव असर पड़ रहा है। सो इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने अपने कुछ न्यू रूल्स निकाले हैं। हालांकि Tencent हो गए, PUBG मोबाइल हो गए, उन्होंने भी अपने न्यू रूल्स निकाले कि इस गेम को हम इतना ही देर खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच के हम नहीं खेल पाएंगे, आईडी बैन करी जा सकती है। और आईडी बैन के चलते हुए मैंने एक और वीडियो निकाली, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं आईडी बैन ना हो सके, और क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जो हमें आईडी बैन करने में मजबूर कर देती है, जो आईडी बैन करवा सकती है हमारी। सो पहला हमारा जो टॉपिक रहता है कि चाइल्ड सेफ्टी, क्योंकि भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दूं चाइल्ड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस लिए इस सब को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल और अप्रिशिएट करते हैं हम, ताकि यार आगे वाली जनता को, आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको कोई नेगेटिव असर ना पड़े। सो जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, इसी को चलते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वीकडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज और वेडनेसडे को हम खाली 8 to 9 PM हम गेम खेल पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो छुट्टी पड़ गई या फिर हॉलीडेज पे हम खाली 1.5 hour खेल पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं खेल पाएंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे अपना निकनेम यूज़ कर सकते हैं, निकनेम यूज़ करते हैं अपने यूज़र नेम पे, जैसे कोई पेट का नाम डाल दिया या फिर कोई नंबर्स डाल दिए, तो वो सब अलाउड नहीं हो पाएगा चाइना के अंदर। और साथ ही में हमें एक वेरीफिकेशन आईडी डालनी पड़ेगी, जो वेरीफाई हो गए, सर्वे हो गए, आएगी जो कंफर्म करेगी कि आप 18 प्लस हो या 18 माइनर। सो उसके लिए हमें अपना ओरिजिनल नाम डालना पड़ेगा विद द कोड ऑफ विद द नंबर दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो पूरा हाईली अप्रिशिएटफुल है, क्योंकि इससे आपको रियल आइडेंटिटी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके सर्वर में चला जाता है कि ये बच्चा इतनी देर गेम खेल रहा है, उनके स्टैटिक्स में पता चल जाता है। आपके लिए मेरा एक सवाल है, आप ये बताओ कि जैसे आपके हिसाब से कौन ज्यादा गेम खेलते हैं, पीसी वाले या फिर मोबाइल वाले, करो बताओ बताओ, सोचो यार कौन सा ज्यादा खेलते हैं और किससे ज्यादा इनकम जनरेट होती है, आप ये बता दो। आधे बोलेंगे पीसी गेम्स, आधे बोलेंगे मोबाइल गेम्स। मैं आपको बताऊं, पीसी गेम्स ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने सर्वे करा था, चाइनीज गवर्नमेंट, वहां से उन्हें 33 billion USD की इनकम 2020 में। और अभी मोबाइल्स में खाली सिंगल मोबाइल्स में उन्हें 77 billion USD की इनकम जनरेट हुई। भाई काफ़ी ज़्यादा चलता जा रहा है, को काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है इस गेम के चलते हुए। और अंडर द एज ऑफ 18 के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी जारी कर दे कि अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, साथ में अपने पेरेंट्स की आईडी, और साथ में उनके मेल पे एक मेल जाएगी वेरिफिकेशन मेल कि आप अपने बच्चे को खेलने के लिए अलाउड करते हैं नहीं करते हैं। इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं, जैसे हम रोज़ाना खेलते रहते हैं कोई भी गेम, जैसे मान लो पबजी खेल रहे हैं या फिर कोई और गेम खेल रहे हैं, COD हो गया, हम लगातार 3-4 मैचेस खेलते हैं, एक मैच कम से कम 20-25 मिनट का, अगर तो हम इससे ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे, एक या एक घंटे से ज़्यादा हम नहीं खेल पाएंगे। और अभी मैं बताऊँ कुछ और फैक्ट्स जो हमें पता चले हैं चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने एक सर्वे एक और किया था जिनमें उनको पता लगा कि 62.5% जो लोग हैं वो मोबाइल गेम्स खेलते हैं, जो 1 hour और 2 hour खेलते हैं, पर जो
रेस्ट ऑफ द लोग एडिक्ट हो चुके हैं, वो पूरे दिन गेम में लगे रहते हैं, कोई भी स्टडी नहीं करते और काफी ज्यादा एनवायरमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि रियल लाइफ और गेम लाइफ काफी ज्यादा अलग होती है भाई। उसमें हम किल करते हैं पर नॉर्मल लाइफ में हम किल नहीं कर सकते, वही बात होती है। तो गवर्नमेंट, मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ चाइनीज गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसे कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जो हमें काफी पहले ले लेने चाहिए थे और अभी भी ले लिया, काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चों की लाइफ से यार नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि हम पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, तो वो सब दूर हो जाएगी, काफी ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देगी गवर्नमेंट, बच्चे अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, अपने इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और काफी ज्यादा न्यू स्किल सीख पाएंगे, जैसे पढ़ाई हो गई, कुछ अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। पर किसी का अगर ड्रीम्स हो, आप मुझे कमेंट में टैग करो जिसका ड्रीम है गेमर बनने का और उसने यूट्यूब चैनल खोल लिया है, फिर कोई ऐसा इवेंट में विनर रह चुका है, ग्लोबल टूर्नामेंट जीत चुका है, तो आप यार कमेंट करो, हम उसको भी वीडियो में मेंशन करेंगे, उसको थैंक्स देंगे यार, अप्रिशिएट करते हैं हम ऐसे गेमिंग लवर्स को काफी ज्यादा। पर यार कुछ लिमिट होते हैं, हर एक चीज की अपनी एक लिमिट होती है। आप ये देखो कल को अगर जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, अभी मुझे भूख नहीं लग रही पर मैं लगातार खाता ही जा रहा हूँ, तो कुछ लिमिट है भाई, कुछ अगर ओवर एक्सेसिव हो जाएगा तो वो मेरे लिए ही डैमेज करेगा, मेरे लिए ही अनबेनिफिशियल है। सो भाई मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ, आप भी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, अपना सपोर्ट दिखाओ, और आज की इस वीडियो में बस इतना, उम्मीद करता हूँ आपको इफेक्ट्स अच्छे लगे हो और जेन्युइन लगे हो, क्योंकि ये जो फैक्ट्स है ये रियल है और ये अभी अभी निकल के आए गवर्नमेंट की तरफ से, और सीक्रेट्स खोज करना हमारा काम ही है भाई। सो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में अपना थॉट्स लिखना ना भूले कि आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे और कैसे क्या गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए था, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उन्हें और नए स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए आज की। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और टैग करो ऑल द गेमर्स भाई साहब, और अगर न्यू अपडेट्स जानने हो रील्स के द्वारा या फिर पोस्ट, मैं इंस्टाग्राम पे भाई पोस्ट करता रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉलो कर लो, और एक मेरा गेमिंग चैनल भी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो भाई फॉलो कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो मुझे इंस्टाग्राम पे कर लेना, कोई दिक्कत की नहीं है, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो यार एक बार एक सेकेंड आप खुद से पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ गेमिंग लाइफ जो इससे क्या, चलो उसके लिए अगली वीडियो में बात करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको भी ज्यादा बोरिंग हो गई, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।